Assalamu alaikum, welcome back to my channel. Hope you are doing well. So in this video I will sharing you cold coffee recipe. यार आई नो कि ये जो है ना रियल वाली कोल्ड कॉफ़ी रेसिपी नहीं है, बट गुजारे लायक कॉफ़ी की रेसिपी ज़रूर है. यार जो जो कॉफ़ी लवर्स हैं ना उनके लिए अगर गुजारे लायक भी मिल जाती है ना उनके लिए बहुत होती है. सो जो जो कॉफ़ी लवर्स हैं ना आप ये सब उनके साथ शेयर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप कॉफ़ी लवर हो या चाय लवर हो. तो चलो चलते हैं प्रोसेस की तरफ. अच्छा यहाँ पे शुगर ली थी मैंने 3 टेबल स्पून, कॉफ़ी ली थी 1 टेबल स्पून और वाटर लिया था. वाटर मैं बता दूँगी बाद में कितना डालता है. अच्छा आप लोग को एक बार बता दूँ यहाँ पर मैंने कॉफ़ी जो है ना मुझे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनानी थी तभी मैंने इसी क्वांटिटी कम ली थी. अगर आप लोग को स्ट्रॉन्ग पसंद है तो आप लोग क्वांटिटी को अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है. अच्छा यहाँ पे जो है ना वाटर यहाँ पे मैं आहिस्ता आहिस्ता से ऐड करूँगी और फिर मैं इलेक्ट्रिक बीटर से इसको बीट कर लूँगी. फिर ये मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लूँगी. जिनके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है वो लोग इसको हाथ से भी कर सकते हैं. हाथ वाली इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरे चैनल पर आएगी, मैं आप लोग को सिखाऊंगी कि हाथ से कैसे बना सकते हैं, ठीक है. यहाँ पर देखो कुछ ऐसी शक्ल निकल कर आई थी. इसको अच्छी तरीके से आप लोगों ने बीट करना है. बीट करते रहोगे तब जाके इसका ऐसा टेक्सचर आएगा, ठीक है. अच्छा यहाँ पे मैं बता दूँ मैंने इसको कितने मिनट बीट किया था. हाँ इसको मैंने बीट किया था 25 मिनट. अच्छा यहाँ पर मुझे ज़्यादा बीट क्यों करना पड़ा था, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा बाउल नहीं था जिसका ऊपर का मुँह जो है ना बंद हो. बहुत ये खुला बाउल था जिसकी वजह से कॉफ़ी अच्छी तरीके से बीट नहीं हो पाए थे, तभी मुझे इतना टाइम लगा. आप लोग वैसे वाला अगर आप लोग ग्लास वगैरह में करोगे तो आप लोग को इजीली 10 मिनट्स में हो जाएगा. अच्छा फिर हम लोग यहाँ पे देंगे एक ग्लास. अब हम इसके अंदर डालेंगे चॉकलेट सिरप. चॉकलेट सिरप होममेड है. अगर आप लोग को इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, देन फिर मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, ठीक है. यहाँ पर ये डल चुका है चॉकलेट सिरप. अब इसके ऊपर जाएगा मिल्क, मिल्क के बाद जाएगी कॉफ़ी, कॉफ़ी के बाद फिर जो डेकोरेट करना होगा वो मैं बाद में बताऊंगी. अच्छा जी आज क्या लगता है, आज पाकिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया में से कौन जीतेगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आज का मैच कौन जीतेगा और फाइनल में कौन जाएगा. अच्छा यहाँ पे ये डल चुकी है. डलने के बाद अब मैं इसके ऊपर डालूँगी चॉकलेट सिरप. चॉकलेट सिरप डाल के थोड़ा सा इसको डेकोरेट करूँगी. डेकोरेट करने के बाद इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी कॉफ़ी. कॉफ़ी मैंने थोड़ी सी यहाँ पे निकाल ली थी, उसको स्प्रिंकल करने के बाद यार ये जो है ना यहाँ पर करेंगे हम कुछ डिज़ाइनिंग. डिज़ाइनिंग हो चुकी होने के बाद अब इसके ऊपर जाएगी कॉफ़ी. ये हो चुकी रेडी. इस स्टफिंग में आपका ईजिली 2 गिलास बन जाएंगे ईजिली. यहाँ पर ये हो चुका है रेडी. वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना. अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखना. अल्लाह हाफिज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग.